तो फ्रेंड आज मैं बताऊंगा आपको कि जो मधुमक्खी का जैसे मान लो बॉक्स है, अगर उसमें फ्रेम कम होए तो मधुमक्खियाँ क्या करती है, बोरी में छत्ता बनाना स्टार्ट करती है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि उन छत्तों का आपने किस तरह से काटना है और उन्हें फ्रेम में किस तरह से एडजस्ट करना है। तो पहले तो आपके पास स्मोकर, छुरी और फ्रेम साथ में रखने आपने। तो करते हैं काम स्टार्ट। तो पहले आपने इस तरह स्मोक रखना है। तो इस तरह आपने थोड़ा थोड़ा जिस पर स्मोक करना है, इससे क्या होगा कि आपको मधुमक्खियाँ काटेगी नहीं। और ये छुरी हो गई, ये दो हाइप टूल है, और आपने टोपी भी यूज़ करनी है और साथ में ग्लव्स। और ये मैंने फ्रेम रखे हाथ में, और ये साथ में रिंग रबर रखा है मैंने लगा के। तो निकालता हूँ मैं बॉक्स अपना। तो पहले तो आपने बोरी को हल्के से स्मोक करना है। तो इस तरह करना आपने। और ये देख सकते हैं आप किस तरह से बोरी में मधुमक्खी के छत्ते चिपके हुए हैं। तो ये देख सकते हैं आप शहद भी है इसमें। और पहले तो स्मोक करना आपने इस तरह से, इससे क्या होगा कि आपको मधुमक्खियाँ काटेगी नहीं। ये देख सकते हैं सारी मधुमक्खियाँ निकल गई। फिर से धुआं देना आपने इस तरह। तो ये देख सकते हैं आप हनी, ये देख सकते हैं आप हनी किस तरह से मधुमक्खी खा रही है। और फिर से मैं इनको स्मोक करूँगा, इसके अगर मधुमक्खी जाएगी। और दिखाता हूँ मैं दूसरी फ्रेम निकाल के। जब भी आपने फ्रेम पकड़ना तो इस तरह से मधुमक्खी की फ्रेम पकड़ना आपने। तो आप देख सकते हैं शहद, ये सील्ड नहीं है क्योंकि मैंने इस बॉक्स से शहद ही नहीं निकाला हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप इस तरह से फ्रेम चेक करना आपने। तो दिखाता हूँ तीसरा फ्रेम। तो आपने जब भी फ्रेम निकालना तो इस तरह से निकालनी आपने। तो आप देख सकते हैं इसमें हनी फुल है, ये देख सकते हैं आप पूरा शहद ही शहद, ये देख सकते हैं। जब भी आपने शहद निकालना तो इस तरह सील्ड होना चाहिए। तो रखता हूँ फ्रेम नीचे। और जब भी आपने फ्रेम साथ में टच करनी तो इस तरह से लगानी आपने। तो ये दूसरी फ्रेम है, इस तरह से आराम से देख सकते हैं आप। मुझे इस टाइम काट नहीं रही है, हल्का सा स्मोक करें आप। हमेशा ध्यान रहे कि बोरी पूरी ना निकालें, इससे क्या होगा कि मधुमक्खी आपको काटेगी। बोरी आपने कम ही निकालनी है। और ये देखो,
और इस तरह से एयरिंग रबड़ लगाया मैंने। और दूसरी तरफ से आपने क्या करना है, छुरी से हल्के से काटना आपने इस तरह से, इस तरह से। और ये देख सकते आप टच हो गई, और रिंग रबड़, और रिंग रबड़ को आपने बीच में रखना है थोड़े दिन, और 3-4 दिन के बाद आपने रिंग रबड़ को निकालना है। ये देख सकते आप तैयार हो गई, और बाद में आपने 3 दिन के बाद यहाँ से काटना है इनको। तो एक फ्रेम एडजस्ट हो गई, और मैं इसको भी इसी तरह करूँगा। तो इस तरह से इस छत को भी एडजस्ट करना है। तो ये देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा है, इसको फिर से काटना है छुरी से, इसमें शहद भी है। ये देख सकते हैं प्योर शहद। तो रिंग रबड़ आपने फिर से लगाना है यहाँ पर। और उसी तरह आपने छुरी से फिर से काटना है इसको तार की साइड। इसको इस तरह से रखना है जैसे पहले थी। तो ये देख सकते हैं आप सेट हो गई, और एक खाली कॉम हटा रहा हूँ मैं, और ये देख सकते हैं मधुमक्खियाँ शहद खाने के लिए किस तरह आ रही है। और ये हनी है, और ये देख सकते आप शहद, ये मैं मधुमक्खी को खाने को दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपने फिर से बंद करना है, और हल्का सा स्मोक करना है। तो ये मधुमक्खी बाहर जा रही थी, और मैंने इसको पकड़ लिया इस तरह। तो ये देख सकते हैं आप मैंने किस तरह इसको आसान तरीके से काम किया। हमेशा आपने बोरी पूरी खोलनी नहीं है, और इस तरह से बंद करना है, और साथ में आपने स्मोकर ज़रूर यूज़ करना है। इससे क्या होगा कि आपको मधुमक्खियाँ नहीं काटेगी। ये देख सकते आप इसमें मैंने गोबर के उबले डाले हुए हैं, और जो 15 जुलाई के बाद जो अगस्त का महीना, इसमें जैसे सारी मधुमक्खियों की कॉलोनी को स्मोक करें। इससे क्या होगा कि मधुमक्खियाँ काम करेगी, और जो अंदर मोमी कीड़े वो भी नहीं लगेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।